वेलकम टू अनदर एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ टेक्नोलॉजी आज वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ओप्पो अपकमिंग एक्सक्लूसिव मिड रेंज स्मार्टफोन ओप्पो A55 फर्स्ट लुक। यस, मैं आपको देने वाला हूँ ओप्पो A55 का फर्स्ट लुक, जहाँ पर मैं आपको इस स्मार्टफोन की रिगार्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करेंगे और लॉन्च डेट भी आपको बताने वाला हूँ। अगेन मैं आपको बता दूँ, दिस इज एक्सक्लूसिव वीडियो एंड गिव अ बिग थम्स अप टू द चैनल प्लीज़, क्योंकि वाहिद वीडियो अभी तक यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं है सिंस अभी तक, ठीक है, इस टाइम तक। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में आगे चीज़ें डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं इजाज़ और आप देख रहे हैं टेक्नो इजाज़। ओप्पो A55 ओप्पो A54 का सक्सेसर है। ओप्पो A54 काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस स्मार्टफोन था, जिसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा लो एवरेज के थे, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। यहाँ पर स्मार्टफोन जो सबसे पहले इसका लुक है उसके बारे में बात करते हैं। लुक इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। रियर पर आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, दो बड़े बड़े सेंसर और एक छोटा सेंसर है। अगर मैं आपको कैमरा मॉड्यूल की बात करूँ तो बिल्कुल OnePlus 9 सीरीज का जो कैमरा मॉड्यूल है बिल्कुल उसी तरह का कैमरा मॉड्यूल है यहाँ पर, और साथ में LED फ्लैश लाइट भी दिया गया है। रियर है वो मुझे एक मैट फिनिशिंग डिजाइन लग रहा है और पॉलीकार्बोनेट स्टफ होगा। नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है और ये जो कलर्स है ये डार्क ब्लू कलर है। और पर्सनली अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो इस दफा ओप्पो का जो डिजाइन है वो मुझे डिसेंट लगा है, बहुत ज्यादा ओवर हाइप नहीं किया गया है, बिल्कुल ही एक सिंपल कलर्स के साथ सिंपल फिनिशिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन लगता है। और यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिस्प्ले के बारे में कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले होगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Full HD+ रेजोल्यूशन तो इस बार देना चाहिए, क्योंकि ओप्पो ने 30,000 की रेंज में कोई भी Full HD+ वाला स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। और ऑब्वियसली यहाँ पर अगेन कोई 5 वोल्ट कैमरा सेटअप हो सकता है, क्योंकि ड्यू ड्रॉप नॉच के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि A54 भी यहाँ पर 5 वोल्ट के साथ आए थे, तो ड्यू ड्रॉप नॉच यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है। और जो हार्डवेयर है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड केस दफा यहाँ पर MediaTek का Helio G88 का प्रोसेसर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल एक लेटेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अभी कंपटीशन जारी है नए प्रोसेसर की, जहाँ पर Infinix का भी आ रहा है, टेक्नो का भी आ रहा है और Redmi का रिलॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पर ओप्पो भी पीछे नहीं रहने वाला है, G88 प्रोसेसर के साथ आ सकता है, अभी तक कंफर्म नहीं है, ये रूमर्स है, स्पेकुलेशन है। यहाँ पर 4 GB की रैम मिल सकती है और 128 GB स्टोरेज होगी। Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और ओप्पो का अपना कलर OS 11 होगा, जो कि अपना UI है और लेटेस्ट UI है उनका। कैमरा की बात हो तो यहाँ पर मेन कैमरा जो 50 MP का होने वाला है और 2 MP के फालतू के सेंसर होंगे, और फ्रंट पर यहाँ पर 16 MP का कैमरा देखने को मिल सकता है। तो जो 50 MP का कैमरा है उसका भी एक नया ट्रेंड चल चुका है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन जो 50 MP का कैमरा के साथ लॉन्च हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी होगी, 18W की फास्ट चार्ज होगी, Type-C कनेक्टिविटी के साथ होगी, 3.5mm ऑडियो जैक होगा, स्पीकर ग्रिल होगा पोडियम की साइड पर, और इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो यहाँ पर साइड माउंटेड दिया जाएगा, जो पावर ऑन ऑफ बटन है उसी में स्कैनर दिया जाएगा। लॉन्च डेट की बात हो तो एक्सपेक्टेड है कि 27 सितंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है, बाकी पाकिस्तान में ये अक्टूबर के महीने में आ सकता है। प्राइस की बात हो तो अराउंड 30,000 के आसपास होगा और आई थिंक ये प्राइस इसके लिए डिसेंट होगा, क्योंकि ओप्पो के स्मार्टफोन है अगर इस चिपसेट के साथ आता है तब ये 30,000 के अराउंड काफ़ी बेहतर स्मार्टफोन हो सकता है। अगर चिपसेट कमज़ोर होगा तो बिल्कुल भी, इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे क्या ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल मुझे पूछते हैं इनसे मैं आपको इनसे कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दीजिए आसानी का, अल्लाह हाफिज़।